नमस्कार दोस्तों, फार्मा वित्त अभिषेक पर मैं अभिषेक गौर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिलीवरी के दौरान लेडीज़ को कौन सा इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। दोस्तों तो दोस्तों आइए इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों दोस्तों प्रसव से पहले जब गर्भवती को कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जैसे कि डेक्सामेथासोन या फिर बेटनेसोल इंजेक्शन लगाया जाता है, वह गर्भनाल से होता हुआ गर्भस्थ शिशु के फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों के सिकुड़ने फैलने की प्रक्रिया सक्रिय करता है, साथ ही दूसरी कार्य प्रणालियों को भी दुरुस्त करता है। इसके बाद आता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का मुख्य काम है प्रसव पीड़ा के दौरान होने वाले दर्द को उत्प्रेरित करना, ये कह सकते हैं यह लेबर पेन को लाने में बहुत सहायक होता है। इस इंजेक्शन के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं दोस्तों। इन दुष्प्रभाव को देखते हुए इस इंजेक्शन का उपयोग केवल मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही मान्य किया गया है। दोस्तों ये हमें उम्मीद है कि आपको हमारी दी हुई जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।